जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। ऐसा लगता है कि ये लाइनें किसी ने रतन टाटा के लिए ही लिखी थी। अपना कमाया हुआ पैसा अपने लिए कुछ खुद नहीं रखना और पब्लिक में बांट देना, पब्लिक में सेवा करना, ऐसा महापुरुष भारत में न कभी हुआ था न कभी होगा। गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जो बयान भी नहीं कर सकते हम लोग। और उसके जैसा जो भी जो जो कैलिबर का जो एक लीडर था वो। बता दें कि टाटा संस के मानद अध्यक्ष रतन टाटा का कल देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। आज मुंबई में वो पंच तत्व में विलीन हो गए। रतन टाटा के निधन के बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंतिम दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आए थे। इसमें कई लोगों से टाइम्स नाउ नवभारत ने बातचीत की। इस बातचीत के दौरान रतन टाटा को लोगों ने अपने अपने अंदाज में याद किया। रतन टाटा के निधन के बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए कानपुर से एक बुजुर्ग शख्स आए थे। उन्होंने बातचीत के दौरान उन्हें लेकर क्या कहा, सुनिए। भारतीय उद्योग जगत के कोहिनूर और रत्न कहे जाने वाले रतन टाटा अब पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं। पारसी जो पद्धति थी उसके तहत उन्हें अंतिम विदाई दे दी गई है। वर्ली के शमशान भूमि में हम इस समय मौजूद हैं, लेकिन इन्हें अंतिम विदाई देने के लिए न सिर्फ मुंबई बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी दूर से लोग पहुंचे हुए थे अंतिम दर्शन करने के लिए। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो कानपुर से आए हैं। सर, आपका नाम? उमा शंकर दीक्षित। आप कानपुर से आए हैं अंतिम दर्शन के लिए? हाँ, तो मौका मिला आपको? हम मिला, दर्शन हुए दूर से जी। क्या कहना चाहेंगे, इनका जाना, इनका देहांत होना कितनी बड़ी क्षति है? उन गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उद्योगपतियों के लिए तो है ही है, मगर उन गरीब लोगों के लिए बहुत क्षति है जो कमजोर तबके थे, उनकी बहुत मदद करते थे। हमारे घर कानपुर उन्नाव जिले गए थे तो वहाँ जहाज उतारे थे, उन्होंने कहा था यहाँ हम पार्क बनवा देंगे। कौन से साल की बात है? ये हो गया 7 साल पहले की बात है। तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे वहाँ, उनके साथ गए थे, मुख्यमंत्री भी थे। तो उन्होंने कहा था यहाँ पार्क बहुत बड़ा बनाएंगे, 48 करोड़ रुपया आपको देंगे हम लोग। मगर विडम्बना ऐसी है कि फिर मुलाकातें नहीं हो पाई। जब आज रात 12 बजे सुने तब हवाई जहाज पकड़ के कानपुर से यहाँ पर अभी आए 2 बजे हम दिन में। तो आपको लगता है कि इनका जाना एक ऐसी क्षति है जिसका जाना उद्योग जगत को क्षति है, उन गरीब लोगों को महान क्षति है जो आम आदमी थे जिनकी वो मदद करती करते थे। इस दौरान आम लोगों के साथ साथ टाटा ग्रुप में काम करने वाले कई लोग भी उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचे थे। कई लोग बातचीत के दौरान काफी भावुक भी हो गए। आप यही मुंबई से हैं? हाँ, मुंबई से हूँ, मैं टाटा ग्रुप एम्प्लॉई हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूरा देश जैसे उनके लिए एक समान था, खासतौर पे टाटा ग्रुप्स के जो लोग थे उन्हें वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। हर मुश्किल जो भी कोई घड़ी होती थी हमेशा उनका साथ देते थे। तो आपको इस समय ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे याद आ रही है उनके जाने के बाद? मेंटर थे, बहुत सारे एम्प्लॉयज के लिए इंस्पिरेशन थे और ही इज द आइकन फॉर एवरी जनरेशन, नॉट जस्ट फॉर द यूथ। तो थोड़ा वही बुरा लग रहा है, हमेशा दो लोगों से मैं मिलना चाहता था अपनी लाइफ में, एपीजे अब्दुल कलाम और रतन टाटा जी से। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी से तो नहीं मिल पाया, रतन टाटा जी से मिलने का चांस नहीं मिला, बट इस आज उनकी ब्लेसिंग्स तो लेके जा रहा हूँ। तो इस तरीके का माहौल आपको लगता है कि पूरे जो टाटा ग्रुप्स है उसमें होगा? क्योंकि जब भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट होने की बातें सामने आ रही थी, तभी आप लोगों को चिंता इस बात की थी कि उम्मीद थी कि शायद वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप इस तरीके से होता था। नो, ही वाज एजिंग, आई थिंक ही वाज 86। माय फादर आल्सो डाइड जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर। सो ये तो एक जर्नी है, कंप्लीट करनी होती है, बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है इस सिचुएशन में आके उनसे उनको देखने का मौका मिला, बट उनकी ब्लेसिंग्स तो हम लेके जा रहे हैं। कुछ किस तरीके से सर हेल्प करते थे, क्योंकि रतन टाटा हमेशा जो है कहते थे डाउन टू अर्थ रहते थे। उन्होंने अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टीज तो रही लेकिन अपने पास कभी कुछ नहीं रखा, आम जनता के लिए देश के लिए हमेशा से उन्होंने अपना सर्वस्व दान दिया। आप किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली उसके रतन टाटा वॉज माई इंस्पिरेशन, दैट्स द रीजन मैंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया था और कई सालों से उनके साथ जुड़ा हूँ। और सिंप्लिसिटी इज द वन थिंग विच आई थिंक एवरी वन एडमायर्स। सबसे ज्यादा सिंपली, इतना पैसा होके भी आई थिंक
आज अगर मार्केट कैप देखेंगे तो टाटा ग्रुप कंपनीज का 33 लाख करोड़ है, विच इज आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. बट सर इतनी सिंप्लिसिटी थी वो हम मिस करेंगे फॉर श्योर. सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कोविड के समय में उन्होंने वैक्सीन के लिए भी बहुत कुछ किया और उन्होंने जो किसी को काम से नहीं निकाला, बहुत सारे कंपनीज फैक्ट्रीज लोगों ने काम से निकाला, 20-30% कम कर दिया उनका वेजेस में, लेकिन टाटा जो एक सर जो थे वो एक ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने किसी को काम से नहीं निकाला, सबको बैठ के उनको पगार दिया. दैट्स द बिगेस्ट थिंग यू नो दैट ही हैज डन. और जैसे आप बोले ना अभी सर को पूछा आपने कि गरीबों के लिए तो और मदद के हिसाब से, तो ये तो सबसे बड़ी मदद होगी. और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और कंपनीज वाले लोग ने एम्प्लॉयज को निकाला लेकिन इन्होंने नहीं निकाला. रतन टाटा साहब का एक सपना था कि एक कार बनाए तो इंडिका बन गया, तो आपको मालूम है. दूसरा एक था कि चार फैमिली स्कूटर पे जाते थे उसको नैनो बनाया. मतलब यही देखो कि कितना लोगों का फिक्र है उन साहब को. आपकी आखिरी जो याद है वो उनसे क्या जुड़ी हुई है, आखिरी बार आपको कौन सा वो लम्हा उनके साथ बिताया वो आपको याद है? नया मैं बताता हूँ, 2013 में जब भी रिटायर हुए थे 75 ईयर्स और जो लास्ट वो जा रहे थे, मैं उनको ये कहा कि सर एक लड़की जब भी माँ के घर से जाती है कैसा लगता भाई, पैसा हमको लगा वो खुद आंसू आ रहे थे उनका पैर पड़ा. उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि आप अभी ठीक है अभी नहीं, आप 5 मिनट उनके बाजू में बैठो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, ज्ञान 100% बढ़ेगा. आज अंतिम दर्शन कर लिया? कर लिया. और नवल टाटा से भी बात किया मैंने, मैं बोला सर ऐसा आदमी वापस मिलना बहुत नामुमकिन है. इतनी बड़ी शख्सियत, उनकी सगल लाइफ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों की, वो कितने सरलता से अपना जीवन जीते? इतना सरल है कि मतलब मान लो रस्ते के ऊपर कोई ऐसा, मैं भिखारी नहीं बोलता, उनके भाषा में भिखारी नहीं है, वो भी इंसान है. वो इमीडिएटली उनको टैक्सी में कार में बिठा के कहीं जाके उनको खिलाते थे. उनको पुलिस सिक्योरिटी गार्ड भी बिल्कुल पसंद नहीं है. वो बोलता मैं क्या राजकारण हूँ, क्या मैं किसका खून किया. कोई ऐसा किस्सा आपके साथ? मेरे साथ ही हुआ है. वो जब रात को रहते थे लेक हाउस में, तो मैं एक गार्ड लगाया विद गन, कार में उतरते उनका नजर उसके ऊपर गया और मेरे को बुला के ऐसा फायरिंग दिया मेरे को, मेरे आंखों में से आंसू आया. बोलता अगले बार तू ऐसा अगर पुलिस और गार्ड और गन वाला रखेगा तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा. क्यों, क्या वजह? वो बोला मेरे को बिल्कुल पसंद है, मैं ना किसका खून किया ना भ्रष्टाचार किया, मैं क्या पॉलिटिशियन हूँ, ये वर्ड्स यूज किया. मैं बोला सर सॉरी सर, उनका पैर पड़ा. उसके बाद हमारा ही सिक्योरिटी रखता था, कोई बाहर का गार्ड नहीं, कुछ नहीं. आपके नजरिए में रतन टाटा क्या शख्स? भगवान है मेरे लिए, इसके आगे कोई वर्ड नहीं है, भगवान है और मतलब पिता समान है, आशीर्वाद देते हैं और मेरा तकलीफ जो भी है थोड़ा बहुत उनको बताने से वो सॉल्यूशन भी देते थे. मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता उनके बारे में. इस दौरान लोगों ने रतन टाटा की सादगी, सेवा भाव और देश के अलग अलग क्षेत्रों में उनके किए गए कामों की सराहना की. इस लॉस को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से याद किए जाएंगे रतन टाटा, आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे भारत को या पूरे वर्ल्ड को रतन जी टाटा याद रहेंगे, ऐसा मैं मेरे संस्था के माध्यम से करने वाला हूं. बिकॉज जीएस ग्रीन इंडिया टू ग्रीन अर्थ मिशन फाउंडेशन है मेरा एक, तो वो फाउंडेशन के थ्रू से रतन जी से 3 से 5 मिनट का मुझे एक ये चाहिए था और वो मैंने सब अपॉइंटमेंट लेटर रेडी किया और कुछ महीने पहले ही वेबसाइट बनाई और उनके हाथ से खाली टच करके वो वेबसाइट का मुझे उद्घाटन करना था. बट रात में मुझे जैसे पता चला तो मैं सो नहीं पाया 3 बजे तक. बाद में सुबह आ गया मैं इधर ही. तो अभी मैंने ये ठान लिया है कि 28 दिसंबर को उनका बर्थडे है, तो वो बर्थडे पे
89 तो उनका जो 87 होगा तो 87 लाख या 87,000 पेड़ जो है मैं वन अभ्यारण जो रहता है वन विभाग रहता है उनको मैं एप्लीकेशन देके वो पौधे लेने वाला हूँ और पूरे भारत भर में पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी मेरे संस्था के माध्यम से जितने भी मेरे मेंबर्स रहेंगे उनके थ्रू से मैं लगा के रतन जी टाटा को वापस मैं जिंदा देखना चाहता हूँ। रतन टाटा जी उद्योगपति नहीं थे, वो सेवापति थे। उद्योगपति और सेवापति में फर्क होता है। वो सेवापति थे, पब्लिक के सेवा करने वाले वो पति थे। उद्योगपति तो बहुत है पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में, लेकिन जिस प्रकार से इनका सेवा कार्य चलता था टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से लेकर अन्य अन्य चीजों में, अपना कमाया हुआ पैसा अपने लिए कुछ खुद नहीं रखना और पब्लिक में बांट देना, पब्लिक में सेवा करना, ऐसा महापुरुष भारत में न कभी हुआ था न कभी होगा, विश्व में नहीं होगा। आज एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे रतन जी, 2 BHK फ्लैट में रहते, कितने बड़े बड़े आलिशान होटल एम्पायर, लेकिन 2 BHK फ्लैट में उनका घर था। तो ये एक योगायोग होता है कि नाम ही रतन था और काम भी उन्होंने रतन ने जैसा किया। रतन टाटा के निधन के बाद भारतीय उद्योग जगत में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। हालांकि रतन टाटा आज दुनिया को अलविदा कहकर पंचतत्व में विलीन हो गए हों, लेकिन उनकी दयालुता विनम्रता कभी भुलाई न जा सकेगी।